हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग जो है मेजरिंग डिवाइसेस, मेनली वोल्ट मीटर और मीटर के डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, एक टॉपिक को समझना होगा जो कि बोर्ड पर आपके सामने है, जो कि लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी मेजरिंग डिवाइसेस होती है ना, उनका अपना अपना लीस्ट काउंट होता है। इवन आपका जो सेंटीमीटर स्केल है ना, जो आप यूज करते हो लाइन वगैरह खींचने के लिए, ठीक है, लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, उसका भी लीस्ट काउंट होता है। कोई भी डिवाइस जो किसी तरह की मेजरिंग का काम कर रहा है, हर डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। तो क्या होता है ये लीस्ट काउंट, इसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो सबसे छोटी वैल्यू जो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करके एक्यूरेटली बता सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो सबसे छोटी वैल्यू जो कोई भी डिवाइस एक्यूरेटली बता सकता है, वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। समझाने के लिए मैंने यहां पर दो रूलर्स बनाए हैं। आप पहला रूलर देखिए, ये 1, 2, 3, इसमें सिर्फ जो मार्किंग है वो 1, 2 या 3 सेंटीमीटर में है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नीचे भी सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब यहां मैंने दो रूलर्स बना रखे हैं। पहले रूलर में सिर्फ 1, 2, 3, 4 की जो है लाइंस बनी है, लेकिन दूसरे वाले रूलर में आप देख सकते हो, दूसरे वाली स्केल में 1 के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस हैं, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस हैं, 2 और 3 के बीच में भी है। तो आप बताओ, जो ऊपर वाला रूलर है वो एक्यूरेटली क्या, कितना जो वैल्यू है वो मेजर करके बता सकता है? तो आप कहोगे, सर ये इस 1 जो है ना, 1 सेंटीमीटर ही एक्यूरेटली मेजर करके बता सकता है, या ये जो ऊपर वाला रूलर है इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। कहोगे, सर ऐसा क्यों? मान लेते हैं, अगर कोई लाइन मैंने ड्रॉ करी और वो लाइन मैंने इससे मेजर करी और ये यहां से यहां तक आई, तो मैं अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ ना कि ये 0.5 से बड़ा है, यानी 1 सेंटीमीटर से छोटा है, लेकिन 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ये 0.7 या 0.8 सेंटीमीटर हो सकता है। तो बेटा, आप यहाँ अंदाजा लगा रहे हो। मैंने क्या बोला था, एक्यूरेटली बताने वाली बात कही मैंने। वो डिवाइस जो सबसे एक्यूरेट बता सकता है, वो सबसे छोटी रीडिंग जो एक्यूरेटली बता सकता है, वो लीस्ट काउंट होता है। तो आपका अगर कोई भी लाइन 1 सेंटीमीटर के अंदर फॉल कर रहा है, तो ये रूलर सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है कोई ये बता सके कि ये वैल्यू क्या है, ये लाइन की जो लेंथ है वो क्या है। ये रूलर तभी काम आ सकता है जब कोई भी जो लेंथ हो वो 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी हो, तो उसको मेजर करने में काम आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर। मैं नीचे वाले रूलर की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो आप देख सकते हो ये सबसे छोटी वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है, वो ये यहां से यहां तक की मेजर कर सकता है, क्योंकि ये जो छोटी लाइन है इसकी भी कुछ वैल्यू है जिसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये सबसे छोटी वैल्यू जो है ये कितनी मेजर कर पा रहा है वो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कोई भी दो मेन स्केल रीडिंग लेंगे। मेन स्केल का मतलब जो यहां मेन स्केल में आपको दिख रही है, जैसे 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं इसको, ये हमारी मेन स्केल रीडिंग है। आप कोई भी दो मेन स्केल रीडिंग उठा लीजिए। तो मैंने उठाया 2 और 3 को उठा लिया, मान लेते हैं। तो मैंने 2 और 3 को उठाया, तो मैं अब क्या करूंगा, मेन स्केल रीडिंग को डिफरेंस निकालूंगा कि दोनों जो मेन स्केल रीडिंग उनका डिफरेंस क्या। जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया 2 को और मैंने सिलेक्ट किया 3 को। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनका डिफरेंस निकाला। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, अपॉन, अब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा कि इनके बीच में कितने डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 डिवीजन है। 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। टोटल कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आ गया 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। तो यानी ये स्केल की जो सबसे छोटी वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है, वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये 0.1 सेंटीमीटर कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर अगर ये स्केल की वैल्यू है, तो ये स्केल सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इस स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी डिवाइस सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है, वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। तो ऊपर वाला जो स्केल था वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी वैल्यू को मेजर करके बता सकता है। 1 से छोटी होगी तो आप वहां पर फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, या आप अंदाजा लगाओगे कि हो सकता है कि 0.5 से बड़ा लग रहा है
और 1 से छोटा है तो वो 0.6 या 0.7 होगा, तो वो अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेटली कितनी वैल्यू बता पाओगे जो जो लाइन 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए सेकंड वाले स्केल में क्या है, 1 सेंटीमीटर तो आप मेजर कर ही पाओगे, साथ ही साथ इसमें छोटे स्केल्स भी बने हुए हैं, छोटी सब स्केल्स भी बने हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप ये जो लाइंस हैं, ये जो 1 सेंटीमीटर के बीच में लाइंस है उस पर उतनी बड़ी भी लेंथ है ना, अगर मान लेते हैं मेरी लेंथ यहां से यहां तक की है तो भी मैं उसको बता पाऊंगा कि हाँ ये 0.6 है या 0.7 है, एग्जैक्टली बता पाऊंगा। तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, आपको दो मेन स्केल रीडिंग को लेना है, आपको दो मेन स्केल रीडिंग का डिफरेंस निकालना है और उसको जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन उनके बीच में लाई कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन उनके बीच में लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले दो मेन स्केल रीडिंग का डिफरेंस निकाला और उसके बीच में जो भी डिविजन थे उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा लीस्ट काउंट पता चल गया, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस का लीस्ट काउंट पता चल गया। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये स्केल सबसे छोटी जो वैल्यू मेजर करके बता सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर बता सकता है, एक्यूरेटली बता सकता है, उससे छोटी वैल्यू ये नहीं बता सकता। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर हो गया। फॉर्मूला भी लिखा है, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल, जो लीस्ट काउंट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। देखो अब ऐसे भी देख सकते हो, इस मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग 1 सेंटीमीटर थी ना, क्या थी, 1 सेंटीमीटर थी, और उसके बीच में कितने डिवीजन थे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो जितने डिवीजन है 10 डिवीजन है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई भी दो मेन स्केल की रीडिंग उठा लो, उसका डिफरेंस कर लो और उनके बीच का जो भी डिवीजन उससे डिवाइड कर लो, या तो ये कर लो, या सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है मेन स्केल की, तो वो 1 सेंटीमीटर है और कितने डिवीजन है, दो रीडिंग्स के बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, उससे डिवाइड कर दो, आपको लीस्ट काउंट आपका मिल जाएगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वो सबसे छोटी वैल्यू जो कोई भी डिवाइस मेजर करके एक्यूरेटली बता सकता है, वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। इसको समझने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो वोल्टेज मेजर करने का काम करता है। किस चीज का काम करता है, वोल्टेज मेजर करने का काम करता है। ये काम क्या करता है, इसको लिख लेते हैं, इट इज यूज टू मेजर, पॉइंट बना करके लिखते हैं जो भी वोल्ट मीटर के बारे में पता चल रहा है, इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर द वोल्टेज, वोल्टेज, इसका काम वोल्टेज मेजर करने का है। ये वोल्टेज मेजर करके आपको बताता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है आपका। आप अपने घर में जो स्टेबलाइजर होते हैं ना, जो फ्रिज के ऊपर या एसी के साथ लगाए जाते हैं, उसमें ये वोल्ट मीटर पहले से ही होता है, तो वो वोल्ट मीटर बताता है कि कितना वोल्टेज मिल रहा है एसी को या फ्रिज को, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसी कुछ रीडिंग होती है उसकी। तो यहां पर क्या काम करता है वोल्ट मीटर और एमीटर। अब बात करते हैं कि ये वोल्ट मीटर, अगर किसी भी डिवाइस का मेरे को वोल्टेज मेजर करना है तो उस डिवाइस के साथ मैं वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करूंगा। तो सपोज दैट मेरे पास एक कनेक्शन है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और मैं चाहता हूं कि इसको मिलने वाली वोल्टेज मैं पता लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वोल्ट मीटर को क्या यहां पर सीरीज में लगाऊंगा, क्या मैं वोल्ट मीटर को यहां पर इसके साथ सीरीज में लगाऊंगा ऐसे क्या इस तरीके से लगाऊंगा, या फिर क्या मैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं। अच्छा, सीरीज पैरेलल को समझने से पहले आप एक बात को ध्यान से समझ लो, जो भी वोल्ट मीटर या मीटर होता है ना, उनके उनके पास भी टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका जो हमेशा याद रखना, जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव, अब देखो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो हमेशा बैटरी के साथ होगा और निगेटिव बैटरी के निगेटिव के तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कनेक्शन होता है। ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर कहीं एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा कनेक्शन प्रॉपर है, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि यहाँ जो वोल्ट मीटर की पोलैरिटी और बैटरी की पोलैरिटी, उस पर भी ध्यान देना होगा। अब जैसे ये कनेक्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी के पॉजिटिव के साथ वोल्ट मीटर का निगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये कनेक्शन गलत है, वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा, वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा, तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है।
चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर, इस बात पर आप खास ध्यान देना कि उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो। अब कहोगे सर इसमें बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस को इग्नोर मारो ना, तार को देखो, ये पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है ना वोल्ट मीटर और बैटरी का, तो ठीक है कनेक्शन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो हमने जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि पैरेलल में जो भी डिवाइस होती है उनकी वोल्टेज सेम होती है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ही वोल्ट मीटर को आप सीरीज में लगाओगे, वोल्ट मीटर को जब आप सीरीज में लगाओगे यहां पर, तो जो करंट बैटरी से निकलेगा वो करंट दोनों में जाएगा, वोल्ट मीटर में भी जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां कुछ अलग वोल्टेज आएगी आपकी और यहां कुछ अलग वोल्टेज आएगी आपकी। तो वोल्ट मीटर आपको रेजिस्टेंस का वोल्टेज नहीं बताएगा, वोल्ट मीटर वो वोल्टेज बताने लगेगा जो वो खुद यूज कर रहा है करंट मिलने पर, वो वोल्टेज बताना शुरू कर देगा, ना कि रेजिस्टेंस की वोल्टेज बताएगा। इसलिए सीरीज में वोल्ट मीटर को नहीं लगाते, क्योंकि सीरीज में अगर आप वोल्ट मीटर को लगाओगे तो वोल्ट मीटर उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करके आपको नहीं बताएगा। वो एग्जैक्टली क्या करेगा, वो जितना करंट यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जितना वोल्टेज यूज कर रहा है वो आपको बता देगा, वो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज नहीं बताएगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो जैसे ही आप वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाओगे तो यहां पर वोल्ट मीटर जो है वो खुद ही वोल्टेज यूज करना शुरू कर देगा थोड़ी बहुत, और अपना खुद का ही क्या करेगा, अपना खुद का ही वोल्टेज बताना शुरू कर देगा। इसीलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है, पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, जो रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिल रही है वही वोल्ट मीटर को वोल्टेज मिल रही है, तो वोल्ट मीटर हमें वही वोल्टेज बताएगा जो रेजिस्टेंस को मिल रही है। तो हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को किसी भी, अगर मेरे को किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करना है, सपोज दैट मेरे पास दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आ गया कुछ ऐसा, और मेरे को क्या करना है, मेरे को वोल्टेज बतानी है, मेरे को R1 है R2, मेरे से बोल रहा है कि R2 की वोल्टेज बताओ, तो आप R2 की वोल्टेज बताने के लिए R2 के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे, तो आपको R2 की वोल्टेज वो बताना शुरू कर देगा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं जिस भी डिवाइस का आपको वोल्टेज पता करना होता है, ठीक है। अब यहां पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो होता है पैरेलल में होता है, ठीक है। तो यहां पर एक और पॉइंट मिला, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है जिस भी डिवाइस का वोल्टेज आपको मेजर करना है। नेक्स्ट की पॉइंट ये है कि वोल्ट मीटर अगर है, देखो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो मेजरिंग डिवाइस हो, चाहे वो कैसी भी डिवाइस हो, वो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा ही होगा, वोल्ट मीटर या कोई भी डिवाइस हो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए हमने जो वोल्ट मीटर को अपनी सर्किट में लगाया है उसको लगाने का पर्पज ये है कि वो वोल्टेज मेजर करे, क्या करे, वोल्टेज मेजर करे। तो पैरेलल में आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, यहां कुछ करंट जाएगा और यहां कुछ करंट जाएगा मान लेते हैं, तो करंट डिवाइड होता है। तो हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए थोड़ी लगाया ताकि वो रेजिस्टेंस का करंट यूज करना शुरू कर दे, यूज करना शुरू कर दे, जो करंट रेजिस्टेंस को मिलना चाहिए था वो करंट डिवाइड हो जाए वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस, हमने ऐसा इसलिए नहीं लगाया ना। तो हम वोल्ट मीटर को जब डिजाइन करते तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये वोल्ट मीटर कम से कम करंट को यूज करे, तो अगर आपको ओम्स लॉ याद होगा तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V is equals to IR होता है। तो I क्या होता है, I होता है V by R, R को आप इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा, V by R यानी करंट उतना छोटा होगा, हायर द रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो हायर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, लोअर विल बी द करंट थ्रू इट, देखिए
जितना ज्यादा जितना बड़ा आपका रेजिस्टेंस होगा, आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ओवरऑल जो करंट आपको आर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा करंट वैसे वैसे छोटा होता चला जाएगा। आप देख सकते हो इनवर्सली इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट छोटा होगा। तो हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट के बराबर लेते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रखते हैं हम। जब भी वोल्ट मीटर को बनाते हैं ना तो हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रखते हैं। तो यहां पर एक और पॉइंट हमें पता चला, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इज इनफाइनाइट जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। आप ऐसे लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इनफिनिटी, बहुत बड़ी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, ताकि वो कम से कम करंट को ड्रॉ करे और जो भी करंट है वो सारा का सारा रेजिस्टेंस से चला जाए। बात समझिए मेरे ध्यान से, ये जो करंट आ रहा है जैसे ही इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत मिनिमम करंट ये ड्रॉ करेगा। तो जो आई है जैसे मान लेते 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो हो सकता है ये 0.1 एम्पीयर या 0.2 एम्पीयर का ही करंट क्या करे, ड्रॉ करे या खुद एब्जॉर्ब ले, खुद 0.2 एम्पीयर का ही करंट खींचे यहां से और बाकी 9.8 या 9.7 एम्पीयर का करंट इनमें से रेजिस्टेंस से चला जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसीलिए हम वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लार्ज रखते हैं। आ रही है बात समझ में, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन कर लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम वोल्ट मीटर के लीस्ट काउंट की बात करेंगे। मैंने कहा ना जो भी मेजरिंग डिवाइस होते हैं उनका लीस्ट काउंट होता है, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट हम कैसे निकालें। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है जिसमें हमने एक वोल्ट मीटर की बात करी है। यहां आप देख सकते हैं ये जो वोल्ट मीटर है वो 1.5 वोल्ट मेजर कर सकता है। हाँ, ऐसे भी वोल्ट मीटर होते हैं जो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट तक ही मेजर कर पाते हैं, और ऐसे भी वोल्ट मीटर होते हैं जो बहुत हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करते हैं। हालांकि हमें बस समझना है कि लीस्ट काउंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले हमने लीस्ट काउंट को डिस्कस किया। इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0.51 और 1.5 है। तो आप दो तरीके से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, जो सबसे छोटी रीडिंग है इस वोल्ट मीटर की, वो 0.5 है। कितनी है, सबसे छोटी जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0.5 है। तो पहला तरीका तो ये है कि जो सबसे छोटी रीडिंग होती है, जो सबसे छोटी रीडिंग होती है, उस सबसे छोटी रीडिंग को आप नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दीजिए। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है यहां पर आप देख सकते हो, टोटल 10 डिवीजन है। टोटल यहां 10 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5 यहां से, एक सेकंड मेरा ना लेफ्ट हैंड पड़ जा रहा है, लेफ्ट साइड पड़ जा रहा है, हो नहीं पा रहा इधर से। हाँ, इधर से देखिए, दिख रहा है आपको, मैं हट गया एकदम, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो डिवीजन, अब क्या कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर इसमें तो 9 ही डिवीजन दिख रहे हैं मुझे, आपको 10 कैसे दिख रहे हैं या 10 डिवीजन कैसे हैं। तो देखिए आप ये लाइन मत काउंट करो ना, आप लाइन मत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप 9 लाइन काउंट करें, आपको लाइन नहीं काउंट करना, आपको डिवीजन काउंट करना है। मतलब आप डिवीजन इन द सेंस, अगर मैं आपको समझाऊं फिर से, अगर मैं आपको समझाऊं तो डिवीजन का मतलब ये जो एक डिवीजन हो गया, ये दो डिवीजन, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, आठ, नौ और दस, टोटल 10 डिवीजन है। कितने हैं टोटल, 10 डिवीजन है। तो यहां पर डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है हमारे। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है मेन स्केल की उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा, 0.05 वोल्ट। तो इसका लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट आया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी दो मेन स्केल रीडिंग को उठा लो, जैसे मैं 1 और 0.5 को उठा लूं, या 1.5, मैं 1.5 और 1 को उठाता हूं, ठीक है। तो मैं दो मेन स्केल रीडिंग है ना उनको माइनस करता हूं, 1.5 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, और इनके बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन, 10 से डिवाइड कर देता हूं तो भी मेरे को मेरा लीस्ट काउंट मिल जाएगा।
तो भी मेरे को मेरा लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो इस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 है, मतलब वो जो सबसे छोटी वैल्यू जो ये वोल्ट मीटर आपको मेजर करके बता सकता है, जो सबसे छोटी वैल्यू जो वोल्ट मीटर आपको मेजर करके बता सकता है वो 0.05, मतलब ये वाली वैल्यू, जीरो के बाद 0.05 है, फिर 0.1 है, फिर 0.15 है, फिर 0.2 है, फिर 0.25 है, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, then 0.5। तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू है जो ये बता सकता है एग्जैक्टली मेजर करके। अब जीरो और इसके बीच में अगर सपोज दैट कोई भी वैल्यू हमारे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 और 1.5 के बीच की है, तो आप वहां पर तुक्का लगाओगे, आप वहां पर गेस करोगे कि हो सकता है 0.03 है या 0.02 है, मतलब 0.5 से छोटी है और 0 के बीच में है, तो हो सकता है 0.02 हो, 0.03 हो, तो आप गेस करोगे, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, तो वो कौन सी है, वो है 0.05। तो ये वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो 0.05 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लीस्ट काउंट वगैरह निकालने आना चाहिए वोल्ट मीटर का। आगे बढ़े, और भी क्वेश्चन आप ट्राई करो, आप PYQs में देखना, MCQ में क्वेश्चन होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, अब अपने अगले डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं जो है अमीटर। तो वोल्ट मीटर में हमने क्या क्या सीखा था, वोल्ट मीटर में हमने देखा कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करती है, उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब हम अमीटर की बात करते हैं, तो अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है करंट मेजर करने के लिए, किसका क्या करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए। इट इज अ डिवाइस यूज्ड to measure current, used to measure current, current को measure करने का काम करता है ammeter, ठीक है, ammeter current को measure करता है। तो अगर हमारी circuit है और हमने circuit में क्या लगाया है, हमारी एक circuit है जिसमें एक resistance है, ठीक है, और हमें इसके through current का पता लगाना है, हमें इसके थ्रू पता लगाना कितना करंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसके साथ या तो दो तरीके हैं, या तो मैं सीरीज में लगा लूं अमीटर, ठीक है, या तो मैं पैरेलल में लगा लूं अमीटर, तरीके दो हैं, पैरेलल में लगा लूं अमीटर, ठीक है, ऐसे मैंने बोला था पोलैरिटी का आप ध्यान दीजिए, अमीटर का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जुड़ा है, आप देखो ना अमीटर का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से ही जुड़ा है, और यहां पर भी अमीटर का जो पॉजिटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से ही जुड़ा है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। चलिए तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर आपका दो तरीका, या तो अमीटर सीरीज में लगाओ या तो पैरेलल में लगाओ। अब आपको पता होगा सीरीज में क्या होता है, जो करंट होता है वो सेम होता है, जो बैटरी से निकलने वाला करंट है वही रेजिस्टेंस में जाएगा और वही अमीटर में जाएगा। वेयर एज पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, यहां पर आने के बाद हो सकता है इसमें आई डैश करंट जाए और इसमें कुछ आई ए करंट जाए। तो यहां पर क्या होगा, जब आप पैरेलल में अमीटर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो ये करंट नहीं बताएगा जो रेजिस्टेंस को मिल रहा है, वो खुद जो मिलने वाला करंट है उसको जो खुद करंट मिल रहा है वो मेजर करके बता देगा। तो हम पैरेलल में वोल्ट मीटर को अमीटर को पैरेलल में नहीं लगाते हैं, हम अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में लगाने पर क्या होता है कि जो भी करंट रेजिस्टेंस से पास होगा वही अमीटर में जाएगा और अमीटर हमें एग्जैक्टली बता देगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका करंट कितना है। अब बच्चों को डाउट आएगा, सर आप अमीटर को इधर क्यों लगा रहे हो, आप अमीटर को इधर क्यों लगा रहे हो, आप अमीटर को इधर मत लगाओ, चलो हटा दिया, आप अमीटर को ना इधर लगा दो, बताओ तब मेजर करेगा क्या। देखो भैया कहीं पर लगाओ, रेजिस्टेंस के आगे लगाओ, रेजिस्टेंस के पीछे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, अमीटर तब भी बताएगा। अब देखो आई करंट इसमें गया अमीटर में और अमीटर में होकर के रेजिस्टेंस में जाएगा, लेकिन जाएगा तो आई करंट ही, तो जो अमीटर में पहले गया था वही करंट तो रेजिस्टेंस में भी जाएगा। तो अमीटर को चाहे जिस रेजिस्टेंस का आपको करंट मेजर करना है, चाहे उससे पहले अमीटर लगा लो चाहे बाद में लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, वो करंट बताएगा ही बताएगा रेजिस्टेंस का। तो हम अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगाते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अमीटर को नहीं लगाते, हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अमीटर को अगर यूज करना है तो आपको उसको सीरीज में कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। अच्छा
अगर मान लेते हैं मेरे दो रेजिस्टेंस हैं, मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ये ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, और मुझे ना इनमें से किसी एक का मेरे को करंट पता करना है। मेरे को ना जैसे मान लेते आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, मेरे को आर टू का करंट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आर टू के साथ सीरीज में अमीटर लगा दूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, आर टू के साथ सीरीज में मैं क्या करूंगा, अमीटर लगा दूंगा यहां पर ऐसे, ये लग गया अमीटर। तो होगा क्या, करंट यहां से बैटरी से निकलेगा, यहां आया करंट, करंट डिवाइड हो गया, इसमें आई वन चला गया करंट, इसमें आई टू चला गया, तो जो आई टू करंट आर टू में जाएगा वही तो अमीटर में जाएगा, तो अमीटर किसका करंट बताएगा, आर टू का बताएगा। तो यहां पर आप अमीटर को हमेशा क्या करते हो, किस तरह कनेक्ट करते हो, सीरीज में कनेक्ट करते हो, किसके साथ, जिसका आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। बात करते हैं अमीटर, भले ही मेजरिंग डिवाइस है लेकिन उसका अपना भी खुद का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट जा रहा है तो उसका अपना खुद रेजिस्टेंस होगा। तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो देखो भैया अमीटर को आपने सर्किट में इसलिए लगाया है ताकि वो करंट मेजर करे, ना कि सर्किट का वोल्टेज यूज करे, क्या करे, ताकि वो करंट मेजर करे, सर्किट का वोल्टेज ना यूज करे। आपको पता है जब आप सीरीज में किसी भी चीज को सीरीज में लगाते हो तो वोल्टेज बढ़ने लगती है, अगर अमीटर सीरीज में लगाए तो यहां पर ये कुछ वोल्टेज अमीटर ड्रॉप करेगा और कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिलेगी, कुछ वोल्टेज अमीटर यूज कर लेगा और कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिलेगी। तो आपने अमीटर को इसलिए थोड़ी लगाया कि वो बैटरी की वोल्टेज को यूज करना शुरू कर दे, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिलनी चाहिए थी वो वोल्टेज अब अमीटर भी शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि अमीटर का वोल्टेज कम से कम, अमीटर जो है वो कम से कम वोल्टेज ड्रॉप करे, अमीटर क्या करे, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप करे, कम से कम वोल्टेज का यूज करे, समझ में आ रही बात। तो अमीटर आप चाहते हो अमीटर का वोल्टेज कम से कम हो, यानी VA इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर आप चाहते हो कि अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो तो आपको R को छोटा रखना होगा, R की वैल्यू को कम से कम रखना होगा, रेजिस्टेंस को कम से कम, रेजिस्टेंस की देखो आप देख सकते हो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस लगाओगे वो उतना ज्यादा वोल्टेज खींचेगा, वो उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो कि अमीटर कम से कम वोल्टेज का यूज करे, भैया वोल्टेज यूज करेगा ये फिक्स है, डिवाइस है तो वोल्टेज यूज करेगा, लेकिन कम से कम यूज कर सकता है वो, आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि वो कम से कम वोल्टेज का यूज करे। तो ऐसा करने के लिए आपको अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम करना होगा, यानी आर को लगभग जीरो करना होगा। तो आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा करंट हो, मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए अमीटर का, ताकि वो जो भी वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिल रहा है वो रेजिस्टेंस को मिलता रहे, ये नहीं कि अमीटर लगा दिया तो अब रेजिस्टेंस उतनी वोल्टेज ही नहीं मिल रही, वोल्टेज कम हो गई उसके थ्रू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सारा कुछ आप लिख लीजिए, फिर एक छोटा सा लीस्ट काउंट निकालते हैं एक अमीटर का, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा। इसको पॉज करके लिख लीजिए, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, पॉज कर लेना और लिख लेना, इसको जरूरी है, ये जरूर लिखना, ठीक है। बात करते हैं लीस्ट काउंट की, तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक अमीटर बनाया है, ठीक है, जिस जो मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे छोटी मेन स्केल की रीडिंग क्या दिख रही है, 1 एम्पियर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 1 एम्पियर को, आप जो है आप 1 एम्पियर को जो डिवीजन है उससे डिवाइड कर दोगे, तो 10 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 डिवीजन, 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आया, 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर इस अमीटर का लीस्ट काउंट है, 0.1 एम्पियर इस अमीटर का लीस्ट काउंट है। दूसरा तरीका क्या है लीस्ट काउंट निकालने का, इसको लिखते हैं लीस्ट काउंट, LC। दूसरा तरीका क्या है लीस्ट काउंट निकालने का, दो मेन स्केल रीडिंग ले लो आप, दो, जैसे मैं 2 और 3 ले लेता हूं, मैं 2 और 3 लेता हूं, इन दोनों को माइनस करो, 3 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, और इनके बीच का डिवीजन काउंट कर लो, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिवीजन, 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1 एम्पियर बाई 10, दैट मीन 0.1 एम्पियर। तो कितनी वैल्यू आ रही है लीस्ट काउंट की, 0.1 एम्पियर, तरीका आप चाहे जो यूज करो, लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, 0.1 एम्पियर। इस तरीके से हमने वोल्ट मीटर अमीटर सबको डिस्कस कर लिया। अच्छा ऊपर वाले का भी करें क्या, चलो हाँ एक और लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, यहां ये जो अमीटर है मैक्सिमम 15 एम्पियर मेजर कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट निकालना है मुझे,
तो यहां पर सबसे छोटी मेन स्केल पर रीडिंग क्या दिख रही है आपको, 5 एम्पियर की दिख रही है आपको। तो आप क्या करो, 5 एम्पियर को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ डिवीजन, 10 डिवीजन है, काउंट करोगे 10 आएगा। अब लाइन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉरी, जितनी लाइंस होती है ना उसमें एक ऐड कर दो, वो नंबर ऑफ डिवीजन है आपका। तो 9 लाइन यानी 10 डिवीजन, तो 10/5/10 का मतलब क्या हो गया, 0.5 एम्पियर। तो इसका, इस एमीटर का जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे कम वैल्यू ये मेजर कर सकता है, जो सबसे कम वैल्यू ये मेजर करके बता सकता है, जो सबसे कम वैल्यू ये जो जीरो के बाद जो सबसे कम वैल्यू है जो ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, वो 0.5 एम्पियर है, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है लीस्ट काउंट का, कोई भी दो मेन स्केल रीडिंग ले लीजिए, कोई भी दो, 5 और 10 ले लेता हूं, तो इनको माइनस करिए आपस में, 10 एम्पियर आप इनको आपस माइनस करिए, 10 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर बाय 10, तो ये वापस से आपको कितना देगा, 0.5 एम्पियर। तो तरीका आप कुछ भी यूज करिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। दो तरीके मैंने बता दिए आपको लीस्ट काउंट मेजर करने के। चलिए, तो इस तरीके से हमने एक और लीस्ट काउंट निकाला, एक और मीटर का। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आपको इंटरनेट पर, या मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पलर वगैरह में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने हर टॉपिक डिस्कस कर लिया जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया, डेरिवेशंस जितने भी थे, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, थ्योरी जो भी था, सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे, आप पूरा मेरे को फॉलो करोगे इस चैप्टर के लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर 10 नंबर का भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो 10 में से 10 आप कर सकते हो बड़े आराम से। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आ सकते थे, मैंने सब डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, हमारे फॉलोवर्स जो हैं जितने थे उतने ही कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं, इसका मतलब आप लोग अपने दोस्तों को हमारा चैनल शेयर नहीं कर रहे। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें और इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ को देख सकें और अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा या अपलोड करूंगा, वो उसमें मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और मेरे सब्सक्राइबर भी जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे आप लोग की वजह से। थैंक यू।